ओके तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्थ और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल अर्थ शाह ब्लॉग, और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो अभी मैं मौजूद हूँ भगवान शिव की नगरी काशी में, यानी कि बनारस में, और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बनारस के पक्के माहौल के कुछ स्ट्रीट फूड दिखाने वाला हूँ, कुछ ऐसे जायके दिखाने वाला हूँ जो कि आपने शायद ही किसी और वीडियो में देखे हों। तो अभी मैं मौजूद हूँ बनारस के अंदरून एकदम अंदर की गलियों में, और इस एरिया को जो है वो चौखंबा के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए चलते हैं, ले चलता हूँ मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही डिलीशियस शॉप्स पर खिलाने के लिए। अभी मैं बनारस की गलियों में से चलते हुए जा रहा हूँ खाने के लिए। कचौड़ी, एक गोल वाली कचौड़ी मिलती है अंदर गली में, वो भैया जो है वो काफ़ी टाइम से लगाते हैं और बहुत ही अच्छी उनकी कचौड़ी रहती है। तो चलते हैं। तो यहाँ पर भैया जो है वो चना बना रहे हैं, और भैया आपका नाम क्या है? और किस टाइप का चना है ये? खुला वाला चना है, बाकी का तला चना है, हरा मूंग है, उसके साथ में प्याज है, सलाद है, अच्छा नींबू है, 10 का बना दीजिए एक बढ़िया। मिर्ची है, मिर्ची खाओगे? हाँ हाँ, तीखा बनाइए। हेलो, हमको याद करोगे फिर? ये आ गई मिर्ची। बस क्या और? बस बस, घाट पे मिलना। हाँ, कहाँ, कौन से घाट पे? राम घाट, मणिकंदा घाट, दशा समेत पर रहते हैं आप? चाहे नमो घाट, कैलाश घाट, ब्रह्म घाट, मतलब घाट हमको मिले। अच्छा, घूमते रहते हैं? 50 घाट हम तुमको हर जगह नमो घाट से लेके हर जगह तुमको मिलेंगे, बनारस के ऊपर तक मिलेंगे तुमको। ये हमारा बनारस का चना है भाई। तो ये आ गया अपना बनारस का फेमस चना, और ये आ गया इंडियन चम्मच, आ गया ये देसी चम्मच अपना, इंडियन चम्मच बोलते हैं। तो गाइस अभी ट्राई करते हैं अपना बनारस का फेमस भैया का जो है वो ये वाला सिंह चना। तो ये अपना देसी चम्मच से मैंने एक का स्कूप उठाया। तो गाइस 10 रुपए में भाई इतना हैवी हो, इतना ज़्यादा प्रोटीन वाला हो चना था, मतलब आपको एक 10 का खाली लोगे ना आपका पेट भर जाएगा, और काफ़ी अच्छा भी था। तो अभी खाते हैं कचौड़ी, अब कचौड़ी के लिए तो भाई जगह बचानी पड़ती, तो चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ गए कचौड़ी खाने के लिए, और भैया अपना नाम बताइएगा? मेरा नाम बाबू। अच्छा, और कितने साल से लग रही है ये? हमारी 8 साल से लग रही है। अच्छा, और किस किस टाइप की कचौड़ी है? पास्ता कचौड़ी चना। अच्छा, और सब्जी किस किस चीज़ की है? चने की है, आलू की है। अच्छा, और कचौड़ी दिखा दीजिए एक बार अपनी। ये है कचौड़ी, इसमें क्या क्या है? आलू भरा हुआ है। अच्छा, और ये क्या है? चटनी है। ये मसाले वाला आलू है शायद? आलू है। एक 20 की लगा दीजिएगा। 20 की नहीं, 10 की करिए। 10 की नहीं है सर, चलिए 20 की कर दीजिए। तीखी बनाइएगा। ये घूमनी है। ये हो गया आलू दम, आलू। ये हो गया चटनी, ये हो गया मूली का रायता। पूर्वे आजकल बंद है क्या? बंद है। पैसा ले लीजिए। अरे
तो गाइस अभी हम लोग आए हैं राजा राम जी की लस्सी शॉप पर और ये बहुत ही फेमस और काफी पुरानी दुकान है। भैया कितने पुरानी दुकान है ये? 60 साल। और अपना नाम एक बार नेम बता दीजिए। अच्छा, और कितने कितने की लस्सी है? 40 से लगा दीजिए। और मलाइयों भी है? ये क्या है? ये मलाई है ना? भैया मलाइयों कितने बजे बनाना शुरू करते हैं? बनाना शुरू करती है? हाँ, 3 बजे सुबह। हाँ। और कब तक बन जाती है? बन जाता है फॉग के हिसाब से होता है। तो गाइस अभी हम लोग की जो है वो लस्सी आ गई है और ये आप लोग पुरवा देखो कितना बड़ा है। बहुत बढ़िया लस्सी है, इतनी जगह पे कहीं ये वाला टेस्ट नहीं मिला। तो गाइस अभी हम लोग हैं चौक थाने पर और यहाँ जो है वो भैया टोस्ट बना रहे हैं। और भैया अपना नाम बता दीजिए। और ये दुकान कितनी पुरानी है? 15 साल पुरानी। तो ये अपनी जो है वो छोटी वाली ब्रेड है और बटर वाला है टोस्ट? बटर वाला है। मलाई टोस्ट करता है। मलाई वाला कितने का है? 60 रुपया। बटर 35 रुपया। और ये चाय का दूध है। बटर कौन सा? वाइट बटर है? अमूल मलाई वाइट करता है। और एड्रेस बता दीजिए अपना। ये 25/1 चौक खाने के पास। क्रिस्प कर दीजिएगा ये। पुरवा में दिया छोटा वाला। चाय कितने कितने की है? 6 रुपये है। हाँ, कल कहाँ बंद की जगह? कल बंद है। सुना ही नहीं। अरे पिंटू भैया कल तो बनिया बंद रहा था। नहीं नहीं भैया बंद कह रही है। साढ़े 9 बजे खुल जाएगा। हम लोग का जो टोस्ट है वो आ चुका है और 35 रुपीज़ का ये टोस्ट है बटर वाला।
और खाकर आपको बताती हूँ कि ये कैसा है। देखने में तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ब्रेड आप लोग देख सकते हो काफ़ी गोल्डन ब्राउन है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसकी ये है कि इसको भट्टी पर जो है वो सेका गया है, और ये अपना टोस्ट है। खाते इसको और इसके साथ चाय भी पीते हैं, पर पहले टोस्ट खाते फिर चाय पीते हैं। वही हम पूजा देखेगा, अभी ये देखा देते हैं। I'm gonna make you mine।